नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है पुनः मोहन राजवाड़े ऑप्शन ट्रेडर यूट्यूब चैनल और आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, मैं ट्रेवलिंग में हूं और अभी मुझे वापस आने में कुछ दिन और लगेंगे, बट आप लोगों के लिए एजुकेशनल वीडियो मैं लगातार पोस्ट करता रहूँगा। फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं बजाज फिनसर्व के ऊपर। ये बजाज फिनसर्व का चार्ट है और ये चार्ट डेली का है। और देखिए, अभी आप लोग अगर मेरे डेली एनालिसिस वीडियो देखे होंगे तो एवरी डे मैं इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड रखता हूँ और आप लोगों को शेयर करता हूँ, ठीक है। हालांकि अभी एक दो दिन में ट्रेड दिया नहीं है, ठीक है, और लास्ट डे भी मैंने ट्रेड लिया था। मैंने आप लोगों को इसका फिक्स लॉस के साथ एक ट्रेड दिया हुआ है, मैं अभी एंड में अपना स्क्रीन शेयर करूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, राइट, इस रेंज में किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। जब भी इस रेंज से निकल जाएगा ना, ये बढ़िया मूवमेंट देगा अपर साइड में यहाँ तक, ठीक है। इस हाई के आसपास तक का ये नॉन स्टॉप मूवमेंट देने वाला है, मतलब ये जाएगा 1570, अभी चल रहा है 1440, राइट। तो 1570 के आसपास तक का टारगेट आपको इसमें मान के चलना चाहिए। एटलीस्ट 100 रुपये का मूवमेंट ये देने वाला है इस वीक में, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे मैं अक्सर आप लोगों को शेयर करता हूँ, ठीक है, कि वीकली चार्ट में अगर कोई ब्रेकआउट दे रहा है ना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, उसका मोमेंट ज़्यादा अच्छा आता है, ठीक है। और देखिए, अगर मैं इसका चार्ट को वीकली में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो अभी ये वीकली चार्ट में आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा स्लो है। और ये देखिए, वीकली इनसाइड पिछले वीक बना था, राइट। अगर आप यहाँ पर देखें तो जो रेड वाला कैंडल है ना, ये रेड वाला कैंडल इस ग्रीन कैंडल का इनसाइड था, ठीक है। तो देखिए, अभी जिस तरीके से ये क्लोजिंग दिया है इस वीक में, बुलिश क्लोजिंग दिया है, अब इसे यहाँ से निकल जाना है और जितना जल्दी हो उतना जल्दी ये स्टॉक निकल जाएगा। तो अगर आप इसे चाहें तो स्विंग में भी परचेस कर सकते हैं, मैंने ऑप्शन में ट्रेड दिया है आप लोगों को, ठीक है। और स्विंग में ट्रेड लेंगे तो यहाँ तक का टारगेट मिलेगा, यहाँ तक का मतलब 1800 का टारगेट आपको ये देने वाला है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा पिछले मंथ हम लोगों ने बजाज फाइनेंस का ट्रेड लिए थे, बहुत ही अच्छा मूवमेंट दे रहा है, लगभग 6000 के आसपास उसे पकड़े थे, अभी 7000 के रेंज में आ गया है, तो 300-400 पॉइंट उसमें मिला अपने को। और देखिए, जब फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं ना, तो आपको बड़ा प्रॉफिट छोटे मूवमेंट में भी मिल जाता है, ठीक है। अब सपोज करो कि भाई अगर आप यहाँ पर 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, इसमें 3-4% कैसे डालेंगे, तो आपको टारगेट यहाँ तक का मिलेगा, ठीक है। मतलब सपोज करो कि 10% ऊपर मूवमेंट किया, तो 10% मूवमेंट करने से आपको कितना मिलेगा, 10,000 रुपया। लेकिन अगर आप यहाँ पर ऑप्शन या फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, राइट, तो स्टॉक अगर 2% में मूवमेंट कर गया ना, तो आपको लगभग 20,000 प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। मैंने इसी तरीके से स्ट्रेटजी इसमें शेयर की है आप लोगों के लिए, राइट। चलिए, एक पॉइंट और, कि अगर हम इसमें ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस कैसा रखना चाहिए। दोस्तों देखिए, अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते हैं ना, तो आपका स्टॉप लॉस ये लो होना चाहिए यहाँ पर, मतलब 1400 का लो होना चाहिए, और ब्रेकआउट देना है इसे 1445 के ऊपर, ठीक है। 1445 के ऊपर अगर इंट्राडे में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में पॉजिटिव क्लोज कर जाता है, फिर हायर हाई बनाता है ना, तो आप इसे समझिए कि इंट्राडे में ही कम से कम 2-3% का मूवमेंट ये दे सकता है। जैसे इसी टाइप का सेटअप था ना डेली चार्ट में, मैंने भारतीय रिटेल का बताया था आप लोगों को लास्ट डे, एक ही दिन में कितना बड़ा मूवमेंट आया, राइट। लेकिन उसे 2-4 दिन 5 दिन अपने वॉच लिस्ट में रखना पड़ता है, अदरवाइज ट्रेड मिलता नहीं, ठीक है। तो आप देखिए, इसी टाइप का चार्ट सेटअप बना के यहाँ पर क्लोजिंग किया हुआ है, ये मूवमेंट करने ही वाला है और बहुत फास्ट मूवमेंट करेगा। फास्ट मूवमेंट करेगा ना, तो फिर ये पकड़ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए इसे आप वॉच लिस्ट में रखिए ध्यान से, इसे आप 15 मिनट के चार्ट में शेयर करता हूँ आप लोगों को। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर जैसे ये 1445 के ऊपर टिकने लगता है, इसमें ट्रेड पोजीशन बनाना चाहिए। देखिए, एक पॉइंट और शेयर करूँगा आप लोगों को। देखिए, अभी क्या हो रहा था कि जब ये प्राइस यहाँ पर जा रहा था ना, यहाँ पर मैं थोड़ा सा, हाँ ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ था, इमीडिएट नीचे आ गया था। और टेबलेट में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो बहुत यूज टू नहीं हूँ इससे मैं, लेकिन एमरजेंसी में मैं इसे अपने साथ रखता हूँ, तो कम से कम वीडियो तो बन जाता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर गया था, इमीडिएट नीचे आ गया, फिर वापस गया, फिर नीचे आ गया, इस बार गया यहाँ पर, टिका यहाँ पर, बट वापस आ गया। यहाँ पर लास्ट देखें तो टिका हुआ है, ठीक है। तो जैसे इस रेंज के ऊपर निकलेगा ना,
आपको इंट्राडे में स्टॉप लॉस कैसे लगाना पड़ेगा। देखिए, मैंने ऑप्शन में ट्रेड आप लोगों को दिया है वो फिक्स लॉस के साथ ट्रेड दिया है, ठीक। तो उसमें तो आप पोजीशन में बने रहो, चिंता करने की बात नहीं है, आप होल्ड करो अपने पोजीशन को, राइट। और अब देखिए, जैसे यहाँ से निकलेगा इंट्राडे में ना, बाई करना चाहिए और ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। और स्विंग में भी यही प्लान करिए, ठीक है। स्विंग में या तो इसका एसएल डाल दीजिए, ठीक है, या फिर इसका एसएल। देखिए, जैसे इसके ऊपर निकलता है ना, एंट्री लेना चाहिए 1445, मैक्सिमम 50, ठीक है। तो यहाँ तक तो इसमें ट्रेड बना ही लेना चाहिए, आपका इंट्राडे के लिए यही स्टॉप लॉस रहे। और अगर आप इसमें पोजीशन लेके जाना चाहते हैं, सपोज करो फ्यूचर लेके जाना चाहते हैं या कैश में लेके जाना चाहते हैं, तो फ्यूचर में ना हमेशा आप प्रीवियस लो का एसएल डालिए, मतलब एसएल इसका बनेगा 1435 का। डेली में क्लोजिंग कर जाता है पॉजिटिव, पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, ठीक है, इस स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखिए पोजीशन को, राइट। और कैश में लेते हैं तो देखिए, कैश में आपको बड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट रखना पड़ता है, राइट। और इसमें आप देखें कि इस रेंज का एसएल डालना पड़ेगा कैश में, ठीक है, क्योंकि उसमें आपके पास टाइम है ना, आप हो सकता है कि इस महीना ना चले अगले महीना चले, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन में ऐसा नहीं कर सकते, राइट। फ्यूचर ऑप्शन में आपको समय पे एग्जिट करना पड़ेगा, प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा, अदरवाइज मार्केट वहाँ रुक गया तो आपका, अगर ऑप्शन में ट्रेड लिए हैं तो डीके होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कंसोलिडेट किया है ना, ऑप्शन में भी ट्रेड लिया जा सकता है। इंट्राडे में अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहें तो जैसे इस पॉइंट के ऊपर निकलता है, 10 रुपये का एसएल डालिए कैश में, तो ऑप्शन में आपको, अगर मान लीजिए 1440 का आप ऑप्शन बाई करते हैं या 60 का ऑप्शन बाई करते हैं, जो भी यहाँ पर अवेलेबल होगा, तो लगभग 5 रुपये ज़्यादा का एसएल आपका बनेगा नहीं, ठीक है। और मूवमेंट कर गया तो बहुत हैंडसम प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ब्रेकआउट स्टॉक अगर मूवमेंट करेगा, कंसोलिडेट करके मूवमेंट करेगा, बहुत फास्ट मूवमेंट आएगा इसमें, राइट। तो ये दोस्तों बजाज फिनसर्व के बारे में, ठीक है, मुझे लगता है ये आपको अच्छा ट्रेड देने वाला है। और फ्यूचर के साथ कैसे ट्रेड बनाएंगे, ठीक है, ऑप्शन के साथ कैसे ट्रेड बनाएंगे, मैंने आइडिया आप लोगों को शेयर किया है, राइट। ध्यान रखिएगा कि जब आप ऑप्शन में ट्रेड लेते हैं तो कई बार लोग बहुत ओटीएम बाई कर लेते हैं, सपोज करो कि अभी मैंने बात किया कि ये स्टॉक अगर निकलेगा तो यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, ठीक है, तो लोग इस इधर का ऑप्शन बाई कर लेते हैं, मूवमेंट करेगा तो भी आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा अगर ऐसे करेंगे तो, ठीक है। इसलिए अगर ऑप्शन वगैरह में ट्रेड लेते हैं, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के साथ ट्रेड लें, ठीक है, थोड़ा समझदारी के साथ ट्रेड लें, अदरवाइज़ मार्केट मूवमेंट करने से भी आपको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये हुआ बजाज फिनसर्वे के ऊपर मेरा व्यू, मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ, मैंने इसका एक स्टडी आप लोगों को पिछले दिन दिया है अपने टेलीग्राम चैनल में, आप टेलीग्राम चैनल चेक कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। देखिए, मैंने इसमें कर्सर यहाँ पर नहीं चलेगा, ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान से समझना है। देखिए, मैंने 1500 का कॉल बाई किया है, लॉजिक समझना, मैं रेंज फॉरवर्ड स्ट्रेटजी बनाया हूँ, 1500 का कॉल मैंने बाई किया है, 1400 का पुट मैंने शॉर्ट किया है एक लॉट, और 1560 का एक कॉल मैंने सेल किया है। जो मैंने बाई किया है 1500 का कॉल, वो 25 रुपये के आसपास, पुट मैंने शॉर्ट किया है 23 रुपये का, और कॉल मैंने शॉर्ट किया है 10 रुपये का। अब देखिए, रेंज फॉरवर्ड स्ट्रेटजी है, इसका पे आप ग्राफ इस तरीके से दिख रहा है, आप देख रहे हैं, मतलब 1400 से 1500 के बीच में अगर एक्सपायरी क्लोजिंग करेगा तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर ये मूवमेंट फास्ट कर जाता है अपर साइड में, सपोज करो यहाँ पर मैं इसे 1500 करता हूँ पहले, ठीक है, 1500 का मेरा पहला टारगेट होगा, ऑप्शन में 1500 का टारगेट रखना चाहिए पहले, ठीक। और इसके बाद जैसे रेंज फॉरवर्ड स्ट्रेटजी है, अगर इस टाइप का पोजिशन बनाए होंगे आप, तो आप इसे आगे भी कैरी कर सकते हैं, 1550 1570 तक का हमारा टारगेट है, तो लगभग आपको 18-20 हज़ार तक का ये प्रॉफिट दे सकता है इस मंथ में, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। और इस पोजीशन को आप एक्सपायरी के आसपास तक होल्ड कर सकते हैं, अगर आपने पोजीशन बनाए होंगे तो 20 हज़ार आसपास हम लोग इसमें उम्मीद कर सकते हैं, मैक्सिमम इसमें मिल सकता है हमें 34,000, तो 34,000 तो पूरा नहीं मिलेगा, लेकिन लॉस आपको जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा अनलिमिटेड, ठीक है। तो अनलिमिटेड के लिए मैंने क्या किया था, मैंने टेलीग्राम चैनल में भी आप लोगों को शेयर किया कि देखिए, इसे अनलिमिटेड लॉस नहीं लेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पर मैं रीसेट करता हूँ प्राइस को, ठीक है। मैंने बताया था इसमें कि 1400 के नीचे क्लोजिंग कर जाएगा तो 10,000 के आसपास का लॉस लेके पोजिशन स्क्वायर अप कर लेंगे, तो 1403 के आसपास आ जाएगा तो लगभग 9,000 रुपये हमें लॉस मिलेगा, ठीक है। मतलब जल्दी आ जाएगा, तो मान लो पोजीशन बनाए और मंडे के दिन पोजीशन बनाए और तुरंत आ गया, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन की बात है, अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड कर गया तब तो लॉस होगा ही नहीं, देखिए,
ऐसे ओके। तो इसलिए 1400 के स्टॉप लॉस डाल के इस पोजीशन को अगर आपने बनाया होगा रेंज फॉरवर्ड तो आप होल्ड करिएगा, और मंडे के दिन भी आपको चांस मिल सकता है, लेकिन थोड़ा ग्लोबल सिनेरियो बहुत पॉजिटिव है तो लगता है कि मंडे के दिन थोड़ा बाजार गैप अप ओपन हो जाएगा तो फिर शायद आपको चांस न मिले ट्रेड करने के लिए ओके। तो दोस्तों ये था मेरा बजाज फिनसर्व के ऊपर मेरा व्यू। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा चार्टिंग वगैरह मुझे यहाँ पर ड्रॉ करने में दिक्कत हुआ है, लेकिन इतना आप बियर कीजिएगा ओके। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।